करें तो 5.4 हमने तो करी थी, उसके अंदर हमने 5.7 करी दी थी। हाँ जी, 5.7 हमने कर ली थी, सॉरी 7.7 जो है 7.4 के साथ हमने कर ली थी, जो 7.4 करी थी तो उसके अंदर ये 7.7 में एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये तो एक्सरसाइज आपकी इस बार डिलीटेड है, क्या नाम है, लिमिट आया था सम। ठीक है, डिलीटेड हो चुकी है। अब बात करते हैं 7.9 और 7.10, ये है हमारी सब्स्टिट्यूशन वाली। सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट इंटीग्रेशन एंड पुट द लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं दोनों बता रहा हूँ, 7.9 और 7.10। 7.9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन जैसे कोई भी आप करते हैं इंटीग्रेशन सिंपल, जैसे इसका कर रहा हूँ मैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स का हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वन का हो गया एक्स, और सी नहीं लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे लिमिट -1 और 1। पहले आप अपर वैल्यू रखते हैं, माइनस लगा के लोअर वैल्यू नीचे वाली, और इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई डाउट? इसका करा मान लो लॉग एक्स आया, तो पहले हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे फिर 2 रख देंगे, तो लॉग 3 माइनस लॉग 2 लॉग 3 बाई 2 आ जाएगा। कोई डाउट? इसका करा मान लो 2 tan x, इसका x के बाद 4/4 प्लस 2x, उसके बाद 0 π/4। पहले सब में पाई बाय 4 रख दोगे, माइनस लगा के फिर सब में 0 रख के इवेल्यूएट कर लोगे। क्लियर है बेटा? नॉर्मल जैसे इंटीग्रल सीखा है वैसे ही करना है। जैसे इसमें क्या करोगे आप, पहले डिवाइड करोगे, 16 में पहले डिवाइड करोगे, 5x² नीचे आया हमारा x की पावर 4 प्लस x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है जी, आपने डिवाइड कर दिया इसको, 5 पे गया, 5x² 20x प्लस 15 आया, माइनस 20x प्लस 15 ऐसे आ जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 5 माइनस 20x अपॉन 15, और नीचे हमारा ये आ जाएगा। ठीक है जी, और इसको आप करोगे 7.4 वाले मेथड से। ठीक है, ठीक है सर। साइन क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव ऊपर ले आया करते थे, याद है? साइन फोर में इसका डेरिवेटिव ऊपर लाया करते थे, सिंपल। इसका हो गया 5x, इसका डेरिवेटिव ऊपर ले आएंगे, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, 2x प्लस 4, यानी कि मुझे ऊपर 2x प्लस 4 चाहिए, तो 20 कॉमन ले लूँगा मैं। उसके बाद कितने सी हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, नीचे हमारा ये आया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पे आपका सोल्व करके 3/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, प्लस 4 चाहिए, तो प्लस 4 और माइनस 4 कर दिया, ये अलग लिख दिया, और ये सोल्व कर कितना आएगा बेटा, -5/2 और अपॉन में ये अलग अलग कर देंगे,
अलग अलग कर देंगे। 10 के साथ ये अलग लिख दिया, इसके साथ ये अलग कर देंगे माइनस 10 को इसके साथ, तो प्लस का 10 इंटू 5/2 वन अपॉन में ही आ गया। इसको आप टी लेके करते हैं, इसका रिलेटिव 2x+4 dt/dx, 2x+4 dx आ जाएगा dt के इक्वल। और इसके केस में क्या बताया था मैंने, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, वो कैसे करते हैं, x का कोएफिशिएंट लिया 4 का हाफ करूँगा 2 आया, 2 का स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर और इसको सोल्व करके 1 आ गया। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 5x-10 ये dt/t, यहाँ पे आएगा हमारा 25 1/x+2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5x-10 log t हो गया। और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/x² - a² का जो था 1/2a log x - a/x+a, 7.4 के फॉर्मूले लगने हैं, तो 1/2a हो गया 1 log x - a/x+a, और t की वैल्यू यहाँ रख दोगे आप। तेरे यहाँ तक, हाँ जी। उसके बाद करना क्या है, जो यहाँ लिमिट दे रखी है क्वेश्चन में ये रख देंगे, ऊपर 2 और 1 है ना, क्वेश्चन में लिमिट क्या थी हमारी, आप बिना लिमिट के क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसके बाद जो लिमिट है वो पुट कर देना 1 और 2। तो यहाँ पे t की वैल्यू रखने के बाद सब में पहले 2 रखोगे ब्रैकेट के अंदर, माइनस लगाया ब्रैकेट अगेन, फिर सब में 1 रख दोगे ब्रैकेट क्लोज, और जो उस वैल्यू आ जाएगी इवेल्यूएट कर लोगे। कोई डाउट? और ये आपका sin π/4 x dx अलग कर दो, इसमें बाय पार्ट लगेगा, फर्स्ट और सेकंड लेके कर लोगे, x इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे साइन का होता है माइनस कॉस, और जिसे आपने x लिया उसका डेरिवेटिव यानी कि π/4, तो आपका ये आएगा x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटू e की पावर x माइनस 4π cos π/4 x। अगेन यहाँ पे फिर आया जी x e की पावर x माइनस, यहाँ पे सिर्फ e की पावर x रह गया था उसका इंटीग्रेशन e की पावर x 4π cos π/4 x, और फिर अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे पहले 1 सब में, उसके बाद माइनस करके 0 रख देंगे, यहाँ रखा 0 0 हुआ, यहाँ रखा e की पावर 0 हुआ, 4π cos 0 आ जाएगा, e की पावर 1 हो गया माइनस e की पावर 1 आ गया, माइनस 4π cos π/4 आया, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। कोई डाउट है इसमें? e की पावर 0 1 हो गया, और जी cos 0 भी क्या होता है, 1 होता है, तो फाइनली ये कट गया इससे, यहाँ आएगा आपका 4/√2π ब्रैकेट खोला प्लस 1 प्लस 4/π, गॉट इट, ये आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, उससे आगे सॉल्व होना नहीं है। क्लियर है जी? यस सर। तो ये तो हमारी 7.9, ठीक है।
इसका आप कंप्लीटिंग का स्क्वायर करके करोगे, इसका भी 7.4 कंप्लीटिंग का स्क्वायर करके करोगे। इसमें आप क्या करोगे, ये बता रहा हूँ 8th क्वेश्चन में आपको। और एक ये 7.10 क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड, 0 से पाई बाय 2 रूट साइन फाइव कॉस की पावर फाइव फाइव डी फाइव। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग से कर लेता हूँ, इंटी है बिना लिमिट के, इसको कॉस की पावर 4 फाइव इंटू कॉस फाइव लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो पता है हमें साइन फाइव को टी लेना पड़ेगा क्योंकि उसका डायरेक्टली कॉस फाइव होता है, तो फाइव है एक अलग कर लिया आपने, इसे ऐसे लिखा कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन फाइव को आप टी ले लो, इसका डायरेक्टली हो गया कॉस फाइव डी टी बाई डी फाइव। तो जी हमारा आया कॉस फाइव डी फाइव कॉस टू डी टी के रूट टी, इसको टी लिया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये डी टी आ गया, टी की पावर 1/2 लिखा, इसको फॉर्मूला ए प्लस बी का हाउस फॉर्म लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ब्रैकेट ओपन कर दिया बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा पावर ऐड हो जाएगी, टी की पावर ऐड जाएगा बच्चे 9/2, और यहाँ पे 2 और 1/2 ऐड करा कितना बेटा 5/2 है। कोई डाउट किसी को, सीधा फॉर्म लगाया ये आ गया, टी की जगह वापस रख दिया, क्या हमारा था टी क्या था साइन फाइव, पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3/2, इसको सोल्व करा 2/3, 2/11 साइन की पावर 2/9/11 कितना, 11/2, माइनस 4/7 साइन की पावर 7/2, और यहाँ पे अब जो लिमिट है वो पुट कर देंगे, पहले सब में पाई बाय 2 फाई की जगह, फिर बाद में सब में 0, और जो फाइनल आंसर आएगा लिख देंगे। कर लोगे इवेलुएट, 1/x माइनस 1/2x² ई की पावर 2x, ई की पावर 2x को लो टी, डेरिवेटिव करोगे, सॉरी 2x को लो टी, एक्स हो जाएगा टी बाय 2, और मैं डेरिवेटिव करूँगा 1/2 डी टी बाई डी एक्स आएगा, तो डी एक्स की वैल्यू आई 1/2 dt। हमने 2x को t लिया है क्योंकि e की पावर x वाली लास्ट क्लास में फॉर्म बताई थी, वहाँ पे t होना चाहिए था। ठीक है जी, मैं लिमिट नहीं ले रहा, मैं बिना लिमिट के क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बिना लिमिट के कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम टी बाई 2 रख देंगे, 1/t/2 t/2 का स्क्वायर e की पावर t, और डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई 2। कोई डाउट है इसमें किसी को, डाउट है किसी को, इसको सोल्व करा ये 2/t आ जाएगा, इसको सोल्व करूँगा तो 2/t² आ जाएगा e की पावर डी डी टी, ये 2 कॉमन लेके कट जाएगा, फाइनली ये बचेगा आपका। ठीक है जी, और याद करो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश हो गया, लास्ट क्लास में बताया था, तो क्या होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह 2x, उसके बाद लिमिट पुट कर दो 1 से लेके 2। तो पहले 2 रखूँगा माइनस करके, फिर 1 रख देंगे, ई की पावर 4/4 माइनस ई स्क्वेयर 2, एलसीएम ले लो, ई की पावर 4 माइनस 2 ई स्क्वेयर, ई स्क्वेयर कॉमन लोगे तो ई की पावर 2 माइनस
टू अपॉन ई की पावर 4, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये मिसलेनियस में मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा आप, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब और एक्स है तो क्या कॉमन आएगा बेटा, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यहाँ से एक्स क्यूब निकाला तो यहाँ बचा 1/(x²-1) और पूरे की पावर आ गई बेटा 1/3, नीचे ही आ गया। कोई डाउट, बिना लिमिट लिए इंटीग्रेशन कर रहा हूँ अभी, जब इसको सोल्व करूँगा x की पावर 3 उसकी पावर 1/3 सोल्व करा तो x आ जाएगा और ये रह जाएगा। कोई डाउट बेटा, ये कट गया, क्या बचा अपना 1/(x²-1)³ और नीचे एक्स क्यूब आ गया। आप इसको टी ले लो, इसको टी लोगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -2/(x³)₁, ये आ गया dt/dx। तो 1/(x³) dx -1/(2)dt के इक्वल आएगा। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, dx की dx/(x³) जो है इसके इक्वल आया -1/(2)dt के। इसमें कोई डाउट है, डाउट है, ये जो टर्म है ये आपका ये हो गया -1/(2)dt, इसको टी लिया तो हमारा आ रहा है टी की पावर 1/3 -1/2 dt। मैंने 1/2 को बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, टी की पावर 1/3 का हो गया टी की पावर 4/3/4/3। तो आपका यहाँ पे आएगा कितना, -3/8, टी की जगह रख दिया वापस यही 1/(x²-1), उसकी पावर 4/3 और यहाँ पे अब आप लिमिट पुट कर दोगे, जो भी लिमिट चल रही है, कितनी है लिमिट 1/3 और 1। पहले आप 1 रखोगे, पहले आप 1 रखोगे, फिर बाद में कितना रखोगे 1/3 एंड देन सिंप्लीफाई कर दोगे। कोई डाउट बेटा किसी को, दोनों हो जाएंगी जी, अब